नमस्कार मेरे प्यारे किसान दोस्तों और देशवासियों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडियन किसान। आज मैं फिर से एक युवा साथी किसान के पास आया हूं जो करौली डिस्ट्रिक्ट में है। ये इन्होंने जो पपीता की खेती कर रखी है, करीबन ये एक से डेढ़ बीघा है वो, तो रॉयल इनका नाम है रॉयल गुजर, तो आप सभी से मिलाता हूँ। नमस्कार सर। तो ये जो आपने पपीता की खेती कर रखी है वो कितने बीघा की खेती कर रखी है? सवा बीघे की। सवा बीघे की? सवा बीघे पक्का। तो ये जो एरिया आता है वो कौन से जिले में आता है, कौन सी जगह तरह बताओगे? करौली डिस्ट्रिक्ट नांदौती तहसील चिरावंडा गांव। चिरावंडा नानोदी तहसील। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा लाउडली बोलोगे तो अच्छा वीडियो कैप्चर हो पाएगा। और ये जो पपीता की आपने खेती कर रखी है तो ये कौन कौन सी वेराइटी लगा रखी है आपने? इसमें चड्डा साफ लगा रखी है। चड्डा साफ। तो ये जो अभी तक ये जो पपीता की खेती है, फसल कितने दिन की हो गई? 4 महीने हो गई। 4 महीने की हो गई। इसकी तुड़ाई कर ली क्या आपने अभी? ना नहीं की अभी तो। कितने दिन में कंप्लीट तुड़ाई कर लोगे? 20 दिन बाद में। 20 दिन बाद में पहली तुड़ाई कर लोगे? पहली तुड़ाई। तो इसका जो प्रोडक्ट आप कितना क्विंटल निकाल पाओगे समथिंग आप इसमें एक बार में? हाँ समथिंग समथिंग 60 क्विंटल। हाँ 60 क्विंटल लें। तो मंडी में क्या रेट चल रही है इसकी? मंडी में रेट चलती है इसकी 7 रुपये से लेकर 13 रुपये तक। 7 से लेकर 13 रुपये तक चलती है। हाँ। तो जैसे अपन अप्रोच मान लेते हैं 10 रुपये मान लेते हैं। हाँ। तो 10 रुपये में यानी कि कितना प्रोडक्शन निकालोगे, पहले कितने पैसे की हो जाएगी आपकी टोटल? हाँ टोटल पहली तुड़ाई कितने की हो जाएगी? पहली तुड़ाई 70 की। 70,000 की समथिंग हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों आपने यहाँ ही पहले मेरा इससे पहले वाला तंबाकू का वीडियो देखा होगा, वो नहीं देखा हो तो वो मेरा लास्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो आप। और ये जो वेराइटी आप इस वेराइटी क्या कौन सी बताई आपने वेराइटी? चड्डा साहब। तो ये कैसी है इसमें पहले और पहले लगाई है क्या आपने? पहले 2 साल से लगा रहा हूँ। 2 साल से लगा रहे हो। तो इसकी एक बार जो आपने ये पपीता एक बार प्रोडक्शन ले लिया आपने, तो ये कब तक चलती है लगाने के बाद में? ये वैसे तो ये चलती है 11 महीने। 11 महीने। हाँ वैसे इसको 3 साल तक भी रख सकते हैं लोग। अच्छा 3 साल तक भी रख सकते हैं। हाँ तो पर 3 साल में क्या है ये छोटे आने लग जाती है जैसे ये है ना। अच्छा ये छोटे आने लग जाते हैं। हाँ, 1 साल में प्रोडक्शन देती है मैंने कम से कम 1 किलो से लेकर 4.5-5 किलो तक। एक पपीता 1 किलो से 5.5 किलो तक 5 किलो तक हो जाती है। और अगर दूसरी साल रखेंगे हाँ तो इसका वेट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। और जो आप इसकी पेड़ से पेड़ की दूरी क्या रख रखे हो? 2 फीट। 2 फीट। 2 फीट 2x4। 2x4 रख रखे हो। इसको पानी कितने दिनों में पिलाते हो आप? 1 महीने। 1 महीने में पानी में, यानी पानी बहुत कम लगता है इसमें? पानी कम लगता है। यानी कि जिनके तो ये जैसे अपने जो ड्रिप सिस्टम ना, 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 उसमें नहीं हो पाएगी? दोहरे वाले सिस्टम। दोहरे वाली नहीं, उसमें ड्रिप सिस्टम लगा सकते हो ना आप? लगा सकते हैं आराम से। तो आपके तो यहाँ पानी है इस वजह से? पानी है। अच्छा पानी है तो इस वजह से आपने ये कर रखा। तो ये आप वैसे फसलें कौन कौन सी करते हो? फसल तो यही गेहूं मक्का बाजरा। अच्छा और ये आप मेरे को मैं काफी दूर से सफर करके चलती है हमारे पपीता ज्यादा चलती है। काफी दूर से आ रहा था तो मैंने आप ही का खेत देखा पपीता का, पीछे नहीं देखा। और भी किसान करते हैं क्या पपीता? होते हैं आगे पूरे टोटल गढ़मौरा में टोटल पपीता पपीता मिलेगा। पपीता ही पपीता मिलेगी। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे चैनल इंडियन किसान को देने के लिए। तो दोस्तों एक बार यहाँ का जो सैनिविट शॉट एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मैं आपको आगे लेके।
Thank you.